देखिए, आज हमें ये साफ साफ पता चल गया है कि एक नेता जो मणिपुर एक बार नहीं दो बार गया है, उसके और उनके विपरीत वो दूसरा नेता जो कभी नहीं मणिपुर गया है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। राहुल गांधी जी मणिपुर दो बार गए, मणिपुर के सांसदों से मिलते रहते हैं, विधायकों से मिलते रहते हैं, और इसीलिए मणिपुर की परिस्थितियों के बारे में वो भली भांति वाकिफ हैं, और पता है कि आज भी परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील है। उनके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है, ना कभी मणिपुर के किसी विधायक से मिले हैं या मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिले हैं, और इसीलिए उनके पास जानकारी नहीं है, सही तथ्य नहीं है, और आज इसीलिए उन्होंने सदन के अंदर सदन को भ्रमित किया है और पूरे देश को आज उन्होंने ये सबूत दिया है कि वे मणिपुर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर वास्तविक में मणिपुर की स्थिति संतुलित होती तो क्या भाजपा दोनों सीटों में हारती? अगर वास्तविक में मणिपुर में स्थिति संतुलित होती तो क्या मोहन भागवत जी मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह देते? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनको अपनी अहंकार और उनको अपनी छवि प्यारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मणिपुर भी आज बदला है, शांति के तरफ नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से आज मणिपुर ने दो कांग्रेस के सांसदों को चुना है। आप बदले या ना बदले, मणिपुर बदल चुका है, देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है।